हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुशामदी मेरे चैनल में आने के लिए। तो मेरे चैनल का नाम है रहीमा इंडियन ब्लॉगर। तो आज जुमेरात का दिन है कि मैं थोड़ी तबीयत ख़राब थी और नींद हुशार नहीं हुई थी, उस वजह से मैं रोज़ा नहीं हूँ सरकार के नाम से। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं क्या पढ़ती हूँ आप लोग को मालूम होगा, तो अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूँगी आपको। अल्लाह का जिक्र का दस्तर पढ़ती हूँ मैं जुमेरात के दिन। तो जुमेरात के दिन अल्लाह का जिक्र का दस्तर मुकर्रर करी हूँ, है ना, कि हमेशा मैं पढ़ती हूँ अल्लाह का जिक्र ज़बान पर रहता है। तो इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह का जिक्र क्या है आप लोग को एक बार बता दूंगी। अल्लाह का जिक्र एक मुट्ठी दूध शरीफ पढ़ना है, इसके बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम सत्तार या गफ्फार या मलिक अल मजीद कसम सकीम उस्मान बहुत या जलीलू या खलीलू या अब्बास या वहाब या अजीज़ ऐसा अल्लाह के नाम के जिक्र पढ़ना है, पढ़कर दस्तर ख़त्म करना है। अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम से फातिहा देना है। तो फातिहा पाँच जुमेरात हो या ग्यारह जुमेरात हो या इक्कीस जुमेरात हो या पहली जुमेरात हो तो सरकार के नाम से खीर बनाकर फातिहा देना है। तो मासूम बच्चों को भी खिला सकते हैं, छोटे बड़े कोई भी खा सकते हैं। ये दस्तर की ये है और तस्बीह, ये दस्तर की तासीर ये है। अल्लाह का जिक्र है, आप लोग हमेशा पढ़िए। इंशाल्लाह ताला आपके घर में खुशियाँ, हर वो चीज़ रिज़्क खैर बरकत, घरों में माला माल, परेशानियों से निजात मिलेगी आप लोग को, औलाद भी आप लोग को नसीब होंगी। औलाद जिनको औलाद के लिए तरस है अल्लाह ताला उनके औलाद को भी गोद भर देगा। तो अल्लाह ताला जो हॉस्पिटल में जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाएगा, आमीन सुमे आमीन। तो पहले अल्लाह का जिक्र पढ़ना है आप लोग को। तो मैं एक बार और एक बात इम्पोर्टेंट बात बता दूंगी, अल्लाह का जिक्र नमाज के बाद नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र का दस्तर आप लोग को पढ़ना है। तो अल्लाह का नमाज की पाबंदी करना है आप लोग को पाँच दिन की। तो इंशाल्लाह पाँच दिन की नमाज की पाबंदी करना है, कुरान की इबादत करना है और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करना है। तो अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। अब उठते की दस्तर पढ़ना नहीं है और पढ़ना है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र है, जो भी वजीफ़ा है अल्लाह के हुक्म का ही है, अल्लाह दिया हुआ वजीफ़ा है। तो कुरान के वजीफे जो हम लोग अल्लाह समद का दस्तर या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अपने हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, वो भी अल्लाह का दिया हुआ वजीफ़ा है। तो अल्लाह ये बोले कि पहले नमाज फिर कुरान, उसके बाद नमाज की पाबंदी करो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग देख सकते हो अगरबत्ती है, इतर है और कप्स है और लुभान के दो प्लेट में शक्कर है और एक प्लेट में फूल है और यहाँ पर दस्तर है। आप लोग ज़रूर देख सकते हो कि मैं कितना पाक करी हूँ। अगर वह अलमारी के पास जो है मेरा बुरखा पड़ा हुआ है तो मैं बहुत घर साफ़ रखती हूँ, अपने आप को भी बहुत साफ़ रखती हूँ कि मैं बहुत अफसोस हूँ कि आज मेरा रोज़ा चले गया। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, नेक्स्ट जो मेरी रात रहूँगी मैं, तो सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। जो चलो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके ना फ्रेंड्स, आज वीडियो मैं ही शूट कर रही हूँ एक हाथ से। तो इंशाल्लाह फ्रेंड तो चलती हूँ पढ़ना शुरू करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, शबा खैर। आप लोग को जुमे के दस्तर पे मिलूँगी इंशाल्लाह। नहीं आज ना मैं इंशाल्लाह कौन सी दरवाज़ा जाने वाली भी डिसाइड नहीं करी। ओके ना फ्रेंड, थोड़ी तबीयत भी बहुत ख़राब है, वो जो कोविड का डोज ली हूँ, वैक्सीन ली हूँ मैं, तो बहुत हाथ दर्द हो रहा है, बुखार जाड़ा भी आया है, तो मैं उसका फेस करी हूँ। ठीक है ना फ्रेंड, तो उसी वजह से मेरी नींद हुशार नहीं हुई थी, मैं रोज़ा नहीं रखी। ओके फ्रेंड्स, तो अल्लाह भी माफ़ करते, मैं जानबूझ कर नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। ओके ना फ्रेंड्स,